कल जैसे ही शहर भर में रेड की खबर फैली तो हिसार शहर के जितने भी ज्वेलरी शॉप के संचालक हैं उनमें एक हड़कंप मच गया। संशय ये बना हुआ था कि ये रेड जो है आयकर विभाग की तरफ से की गई है या ईडी की तरफ से की गई है। तब तक जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि हिसार शहर में जो है पाँच अलग अलग जगह है रेड की गई है, जिसके अंदर PL स्थित एक ज्वेलरी शोरूम था और उसके अलावा एक शोरूम जो है राजगुरु मार्केट के अंदर मौजूद था। कहीं ना कहीं संशय ये बना हुआ था कि राजगुरु मार्केट के अंदर जो ज्वेलरी शोरूम है वो कौन सा है, क्योंकि हिसार के राजगुरु मार्केट में ना जाने कितने ही ज्वेलरी शोरूम है जो यहाँ पर काफ़ी फेमस भी हैं। तो फिलहाल हम मौजूद हैं राजगुरु मार्केट के उसी ज्वेलरी शोरूम के बाहर जहाँ पर जो है कल सुबह 5 बजे से लेकर रेड जो है अभी तक जारी है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यही वो ज्वेलरी शोरूम है और पुलिस प्रशासन के जो टीम के मेम्बर हैं वो बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको विस्तार से बता दें कि शहर के 2 ज्वेलरी शोरूम और उनके संचालकों के आवाज़ पर इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने पहुंचकर सर्वे किया। टीमों ने शोरूम आवास सहित अन्य प्रतिष्ठान में मौजूद संचालक परिवार के सदस्य सहित कर्मियों को के फोन भी जब्त कर लिए। शोरूम के बाहर से ग्राहकों को लौटा दिया गया। इस दौरान बाहर भी किसी को निकलने नहीं दिया गया। कई टीमें हैं जो अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर ज्वेलरी शोरूम व आवास पर पहुंची थी। इस दौरान सशस्त्र पुलिसकर्मी भी तैनात रखे गए हैं, जो तस्वीरों में आप फिलहाल मौके के ऊपर मौजूद भी देख पा रहे हैं। दिन भर टीमों ने दस्तावेजों को खंगाला, सेल परचेज का रिकॉर्ड चेक करके ज्वेलर का सेक्टर 14 में आवास है, एक ब्रांच राजगुरु मार्केट कटला रामलीला में प्रतिष्ठान है, दूसरे ज्वेलर का 7 रोड में आवास है। सुबह 6 बजे शुरू हुए सर्वे देर रात तक जारी रहा और आज भी उसी तरीके से जारी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल मिली जानकारी थी उसके अंदर बताया गया था कि राजगुरु मार्केट के एक ज्वेलरी शोरूम में भी जो रेड पड़ी है उसका जो नाम है उसको लेकर भी कई संशय बने होते, लेकिन आज सिटी बिग न्यूज़ की टीम आपको बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ दिखा पा रही है कि राजगुरु मार्केट का यही वो ज्वेलरी शोरूम है जहां पर जो है कल सुबह 5 बजे से जो रेड कंडक्ट की गई थी वो अभी तक जारी है। पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद हैं और अभी भी जो है अंदर कार्रवाई चल रही है, सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, सेल परचेज की पूरी जानकारी ली जा रही है और संचालकों से भी तरह तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब ना जाने कि ये रेड कितनी और लंबी चलने वाली है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो कल सुबह 5 बजे रोहतक से जो टीमें हिसार पहुंची थी अलग अलग गाड़ियों में 50 से 60 लोगों की जो टीम थी, कल हमने आपको दिखाया था कि PLA के एक ज्वेलरी शोरूम के अंदर लगभग 11 लोगों की टीम पहुंची थी और यहां पर भी लगभग 8 से 10 लोगों की टीम बताई जा रही है जो कल सुबह 5 बजे से लगातार यहां पर पूछताछ कर रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है। और फिलहाल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जो रेड है जो कल सुबह 5 बजे शुरू हुई थी अभी तक भी चल रही है। राजगुरु मार्केट का यह वो ज्वेलरी शोरूम है जिसके बाहर अभी भी पुलिसकर्मी मौजूद है और जितने भी कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें सिर्फ ये कहकर मना कर दिया जाता है कि आज शोरूम ग्राहकों के लिए बंद रहेगा। तो कल आपने देखा कि सिटी बिग न्यूज़ की टीम ने आपको दिखाया कि हिसार के अंदर पहुंची रोहतक की जो टीम है उन्होंने हिसार के अलग अलग 5 जगहों पर जो है रेड जो है मारी थी, और जिसके तहत कल आपने देखा कि PLA स्थित एक ज्वेलरी शोरूम के की जानकारी मिली थी और वहाँ पर जो रेड चल रही थी और उसी रेड के तहत कल से ही आज तक भी वो रेड जारी है। और हिसार के राजगुरु मार्केट में ये जो ज्वेलरी शोरूम आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो रेड अभी भी चल रही है। आगे इस रेड के बारे में जो भी अपडेट होगी सिटी बिग न्यूज़ आपको देता रहेगा। तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।